ये याद है आपको, बहुत ज्यादा इस वीडियो में भी मस्ती हुआ था, आप दोनों एक दूसरे का टांग खींच रहे थे। अन्ना के साथ टाइम तो स्पेंड किया मैंने, बहुत अच्छा है, बहुत इट्स गोल्डन टाइम। तेलुगु टाइटन में उसके साथ था, फिर ये सेवेंथ तेलुगु हरियाणा स्टीलर्स के साथ तो बहुत टाइम, मतलब थोड़ा ज्यादा बात करने के लिए उसका टांग खींचना ऐसे काम करते थे। उसके साथ स्विमिंग भी कर रहा था, फिर भी उसको हराने के लिए अब तक नहीं हुआ। वो तो यंग एंड एनर्जेटिक बॉय है, वो सीनियर है, वो मेरे से एज से बड़ा है, कबड्डी में भी सीनियर है। ऐसा ऐसा एक बाउंड्री नहीं है हमारा रिलेशनशिप में। कोविड के बाद भी हम लोगों के बाद 3-4 बार फोन किया अन्ना ने, क्या कर रहा है, कैसा है करके, तम्बी ना पढ़ रहे हैं, एंगे रखे है। उनके बारे में आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? सर उसका डेडिकेशन, पंक्चुअलिटी, टाइम सेंस एकदम बढ़िया सर। आप उतना सीनियर होने के बाद भी आप 5 मिनट लेट आ जाओ, कोई चलता है, कोई पूछने वाला नहीं है, ऐसा वो मेंटेलिटी नहीं है उसका। वो 5 मिनट्स आगे आएंगे, उसका वो हार्डवर्क भी ऐसे, वर्कआउट भी ऐसे ही है। हम लोग 10 रिप्रेशन मारा तो वो 15-20 मारेगा,